हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि CO2 फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर प्रेशर गेज क्यों नहीं होता है उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने तो फायर एक्सटिंग्विशर को देखा ही होगा, जैसे कि वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हो या फिर फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हो, तो उसके ऊपर जो है एक प्रेशर गेज रहता है जो आपको बताता है कि उस फायर एक्सटिंग्विशर में कितना प्रेशर है। यानी कि उसमें अगर कम प्रेशर है तो भी वो बताता है, उसमें अगर ज्यादा प्रेशर है तब भी वो बताता है, और वो यूज करने लायक है कि नहीं है वो भी आपको बताता है। तो ये जो बताता है वो एक प्रेशर गेज के माध्यम से बताता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि फायर एक्सटिंग्विशर ऊपर एक गेज लगा हुआ है, जहां पर सेंटर में ग्रीन है और लेफ्ट और राइट साइड में जो है रेड है। तो वो जो नीडल है वो अगर ग्रीन के ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि वो जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वो जो प्रेशर गेज की जो नीडल है वो अगर लेफ्ट साइड के रेड साइड में अगर जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि प्रेशर जो है वो धीरे धीरे जो है वो कम होते जाता है, और लास्ट में जब वो जीरो पर आ जाता है तो वहां पर कोई भी प्रेशर नहीं रहता है। और ठीक उसी तरह से वो जो नीडल है वो अगर राइट साइड में जो है जो रेड इंडिकेशंस है वहां पर अगर वो जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो जो है वो ओवर चार्ज जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर है। मतलब लेफ्ट साइड का जो रेड इंडिकेशंस है वो दर्शाता है कि वहां पर नो प्रेशर है, ग्रीन सिग्नल दर्शाता है कि वहां पर प्रेशर जो है वो सही है, और राइट साइड का रेड सिग्नल जो है वो दर्शाता है कि वो वहां पर ओवर चार्ज है। चलिए अब जानते हैं कि ड्राई केमिकल या फिर वेट वाटर जो एक्सटिंग्विशर है तो उसके ऊपर जो प्रेशर गेज होता है उसका क्या पर्पोज होता है उसके बारे में। तो जब भी हम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने के बाद उसमें कितना अमाउंट ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट जो है उसमें रिमेनिंग है उसके लिए जो है हमें उसको सर्विस करना होता है या फिर उसको रिचार्ज करना होता है। और अगर फायर एक्सटिंग्विशर में अगर उसकी जो सील है वो अगर ब्रोकन है तो उसको जो है कंसिडर किया जाता है कि उसका इस्तेमाल हो चुका है। अब ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी कि ड्राई केमिकल वाला फायर एक्सटिंग्विशर हो या फिर वेट वाटर फायर एक्सटिंग्विशर हो, तो उसके ऊपर एक प्रेशर गेज होता है जो आपको ओरिजिनल चार्ज जो है उसके ऊपर क्या है वो बताता है। यानी कि प्रोपेलेंट गैस का ओरिजिनल चार्ज क्या है, मतलब उसमें जो कॉम्प्रेस एयर है वो कितना है वहां पर वो बताता है। यानी कि अभी भी उसमें उस फायर एक्सटिंग्विशर में करेक्ट प्रेशर है क्या वो उस प्रेशर गेज के माध्यम से बताता है। अगर फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो अगर लीक हुआ है या फिर पार्शियली जो है वो अगर डिस्चार्ज हुआ है तो वो जो सेम कंडीशन है वो फिर आप प्रेशर गेज के माध्यम से जो है वहां पर देख सकते हो, क्योंकि प्रेशर गेज जो है वो कंडीशन जो है वहां पर इंडिकेट करता है। तो ये जो है ये प्रेशर गेज का मेन पर्पस होता है। अब हम जनरली जो हमारे पास ड्राई केमिकल या फिर वेट वाटर जो फायर एक्सटिंग्विशर जो हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो प्रेशर गेज होता है तो उसमें 100 PSI से लेकर 300 PSI तक वो प्रेशर जो है वो वहां पर शो करता है। अब बात करते हैं कि CO2 जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है तो उसमें प्रेशर गेज नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो है CO2 जो है वो लिक्विड फॉर्म में भरा हुआ रहता है इसकी वजह से। अब CO2 जो गैस है वो एक रूम टेम्परेचर में उसको जो है कॉम्प्रेस किया जाता है, वो भी अराउंड 830 PSI पर। तो उस पॉइंट पर उस प्रेशर में जो है उसका वहां पर लिक्विफाई होना जो है वो वहां पर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो वहां पर लिक्विड में जो है कन्वर्ट हो जाता है। अब इस पॉइंट में जो प्रेशर है, यानी कि अराउंड 830 PSI जो प्रेशर है, तो वो वहां पर वैसे ही कॉन्स्टेंट रहता है उस कंटेनर में, और वो तब तक रहता है जब तक उसकी जो रेटेड कैपेसिटी है वो भी लिक्विड CO2 के साथ में वो भर नहीं जाती है तब तक। अब जब तक कंटेनर में कुछ जो लिक्विड CO2 है तो उसके ऊपर में जो वेपर है तो उसका जो प्रेशर है वो वहां पर बना रहेगा, वो भी 830 PSI। तो इसलिए अगर हमने उसमें अगर प्रेशर गेज लगा लिया तो वो शो करेगा 830 PSI। तो उस केस में वो ये नहीं देखेगा कि उस कंटेनर में एक्चुअल अमाउंट में कितना जो है वो वहां पर लिक्विड CO2 है। तो इसी कारण की वजह से CO2 जो एक्सटिंग्विशर है उसको फिल किया जाता है वेट के जरिए, ना कि प्रेशर के जरिए। इसीलिए CO2 फायर एक्सटिंग्विशर को जब भी मेजर करना हो कि उसमें कितना कंटेंट जो है वो बचा हुआ है या फिर कितना जो कंटेंट है वो इस्तेमाल हो चुका है, तो वो जो है वो मेजर करते हैं वो भी उसका वेट करके ही। तो इसलिए यहां पर एक ही रास्ता बचता है कि CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में जो भी कंटेंट्स है उसको अगर मेजर करना हो तो वो हम वेट करके ही वहां पर मेजर कर सकते हैं, और CO2 फायर एक्सटिंग्विशर फिल करने के बाद जो भी वेट है वो फिर लेवल के ऊपर लिस्टेड किया जाता है। अब आपको यहां पर एक बात ध्यान में रखनी
करनी है कि जो एक्सटिंग्विशर्स में जो प्रोपेलेंट है वो नाइट्रोजन होता है, ना कि कॉम्प्रेस एयर। अब कुछ जो शॉप्स है उसके पास जो है वाटर और एयर फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि खुद जो है उसमें रिचार्ज करते हैं अपने खुद के कैंस में। तो उस सिचुएशंस में जो है वो ज्यादातर वहां पर कॉम्प्रेस एयर का वहां पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोई भी जो प्रोफेशनल सर्विस कंपनी होती है वो वहां पर नाइट्रोजन का ही इस्तेमाल करते हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में प्रेशर गेज क्यों नहीं होता है उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।